झारखंड में जितने भी विद्यार्थी क्लास 8 के एग्जाम में इस बार शामिल हुए थे तो इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए थे। बहुत सारे विद्यार्थी किसी कारणवश से एग्जाम को नहीं दे पाए थे और बहुत सारे विद्यार्थी ने मार्कशीट में कुछ गलतियां कर दिए थे जिनके कारण से उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया था। तो वो सारे विद्यार्थी इस वर्ष क्लास 8 में ही रुक गए हैं, वो अगली कक्षा में प्रवेश नहीं पा सके हैं। तो वो सभी के लिए एक यहाँ पर बहुत ही अच्छी खबर है कि जेक ने वो सारे विद्यार्थियों को फिर से एक मौका देने जा रही है, फिर से आपको एक बार एग्जाम देने का मौका देने जा रही है। तो पूरी खबर क्या है आप इसी वीडियो पे जानोगे। तो चलिए ज़्यादा समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा गुप्ता और आप देख रहे हैं बी हेल्पर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जेक की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है जिनमें लिखा हुआ है कि जितने भी विद्यार्थियों का क्लास 8 में एडमिट कार्ड आया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्जाम देने के बावजूद भी फेल हो गए थे। तो बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में अनुपस्थित थे और बहुत सारे के मार्कशीट में कुछ गलतियां पाई गई थी जिनके कारण से उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। तो वो सारे विद्यार्थियों का फिर से एडमिट कार्ड दिया जाएगा और इनके लिए आपको कोई भी आवेदन नहीं करना होगा, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ऑनलाइन आ जाएगा। और एग्ज़ाम डेट के बारे में यह कहा गया है कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है आपको एडमिट कार्ड मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग और कुछ जानकारी जान लेते हैं कि विज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है। तो ये रहा विज्ञापन आपके स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है झारखंड अधिविद परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची, कक्षा 8 बोर्ड की विशेष परीक्षा 2022 से संबंधित आवश्यक सूचना। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एतद द्वारा कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा 2022 से संबंधित सभी जिला शिक्षक पदाधिकारियों, जिला शिक्षक अध्यक्षों, छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में कक्षा 8 की परीक्षा के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा में वे ही छात्र छात्रा सम्मिलित होंगे जिनका कक्षा 8 के वार्षिक परीक्षा 2022 में प्रवेश पत्र निर्गत किया गया था और उनका परीक्षा फल मार्जिनल या फेल प्रकाशित हुआ है या वे परीक्षा में अनुपस्थित रहे हैं या OMR शीट में उनके द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण उनका रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है, परीक्षा के लिए अलग से आवेदन प्रपत्र भरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र स्वतः निर्गत कराया जाएगा। संबंधित छात्र छात्रा उसी पेपर की परीक्षा सम्मिलित हो सकेंगे जिनमें उनका ग्रेड डी प्रकाशित हो या वे अनुपस्थित रहे हो। अतिरिक्त भाषा विषय की परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि एवं परीक्षा की तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। जिन छात्र छात्राओं का परीक्षा फल आंतरिक मूल्यांकन का अंक ऑनलाइन संधारित नहीं रहने के कारण इनकम्प्लीट मार्जिनल प्रकाशित है के लिए संबंधित विद्यालय को आंतरिक मूल्यांकन संधारित करने हेतु छात्र हित में एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। संबंधित विद्यालय प्रधान दिनांक 21/9/2022 से 1/10/2022 तक परिषद के वेबसाइट www.jek.jharkhand.government.in जेक के माध्यम से छूटे हुए आंतरिक मूल्यांकन का अंक ऑनलाइन संधारित करेंगे। ध्यातव्य हो कि आंतरिक मूल्यांकन का पूर्णांक 100 अंक निर्धारित है, इसके पश्चात उनके किसी भी अभ्यादन पर विचार नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये जो नोटिस है झारखंड अधिविद परिषद रांची के द्वारा प्रकाशित की गई है, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।